अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल देसी एग्रीकल्चर दे विच खुश आमदीद। जनाब अज पोल दे बदल दा तीसरा दिन है ते असी जनाब पट्ठे वढ़ रहे ने। आ मशीन साडी तुहानू नज़र आ रही है। ये जनाब असा काम थोड़ा जिहा टैक्निकल ते जदीद रखना हुंदा है। मशीन लभदी जी? आ जनाब मशीन जिहड़ी है ना, इहने आ पट्ठे वढ़े ने सारे। आ समझ लो कि 5-10 मिंटां दे विच असी इन्नी पा फड़दे आ काम दी। काम तो सानू कोई टेंशन नहीं क्योंकि हाँ सारा काम जदीद रखे होंगे वे। तो आवाम में भी मेरा यह मैसेज देना होंगे कि काम के जिद्दत लियाओ। है दातरिया शातरिया, जो दातरिया वाला निज़ाम है ना रवायती, साढ़ा 100 साल पुराना निज़ाम है, इन्हें थोड़ा जहा बदलो, कुछ दा दा खौफ करो। दुनिया कितने की कितने पहुँच गई है। जिन्हों को अं करजे ला खाण डे ना, वो करजे भी नहीं देते, सूद देंगे ने। तो उन्होंने तरक्की जी गल्लां तू कीती है, असीं उन्हां गल्लां नूं फड़ के तो असीं भी तरक्की कर सकते हैं। साडे विच की कोई होर किस्म का कोई बरूद पैंदा वे? साडे विच भी उही जान जो उन्हां दे विच जान है। तो बस ऐ वे कि थोड़ा जिहा अकल का इस्तेमाल करी। ऐ वे हुण 10-12 हज़ार रुपया लाया वे तो सुकून दे नाल पट्ठे वड्डे ने। तो जे असीं दातरी नाल वड्डदे तो समझ लो कि 2-3 घंटे साडे इत्थे लग जाण। दिहाड़ी समझो कि अगे दिहाड़ी छोटी है, तो दिहाड़ी सारी इत्थे असां पट्ठे वड्डे ते ला हड़ने हैं, तो दूजे काम उत्थे रह जाणे हन। तो आओ नाले थोड़ा जिहा तुहानू शुगर वाहीए, भा ला रखे दी गलबात सुनाईए तुहानू। आ जाओ लो जनाब, हुण असीं तुहानू थोड़ा रवायती निज़ाम वाला भी बंदोबस्त वाहने। आ जनाब दातरी नाल लगा जवान, हाँ नहीं मशीन छड्डा वा वढ़ दऊं नहीं कहना तो वढ़ हड़ना मशीन नाल, तो मैं भी दसी काम करना। ਹੋਰ ਸਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਲੋ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਲਾ ਰੱਖੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਵੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਪਾਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਹੈ ਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਣਕ ਵੱਢਣੇ ਆ ਵੇ। ਤੇ ਕਣਕ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਆਹੋ ਵੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਤ ਨੀ ਹਾਲੇ ਆਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮਜ਼ਾ ਉਂਝ ਰਹੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਭਾਅ ਲਾ ਰੱਖੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਟੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਹ 6 ਕਨਾਲ ਕਣਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਅ ਲਾ ਰੱਖਾ, ਭਾਅ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਹਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਆ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ।
जनाब पाकिस्तान पैसा ने रोला हर पास वीडियो बना ही अच्छा मेनू पता है मरी चाड़ी हुई अच्छा जी नाल जेड़ा मिस्त्री नहीं है घर आली ने आख्या मैं आख्या फकीर नहीं सानू लै दो चंगी एन पैसे देन दे कोई रह दी ना आहो बिलकुल खर्चा होवे ते रांदियां ने सही गल है पहुंच नहीं रांदियां ए बिलकुल डॉक्टर भी डंगर भी रहे लो जनाब उस टक वेहो वो एक दो तीसरा बंदा भी ए तीजा टक है ते अगू है चौथा टक तुहानू आई है समझ लो पूरे पिंड ने जेड़ा ना इतने हाथ ला लिया पोह का महीना वे तो किसी को पट्ठे है नहीं रवायती तरीके जो काम करो तो पट्ठे तेरे को नहीं बन लगे हाँ जी की आते हाँ कणक महंगी दे छड़ी है महंगी दे छड़ी है कणक हो गए जी बिरली बे बाए रेट की भला की 8000 रुपया सुनांदे हो आहो ते 8000 दे की विच निकलदा 8000 जाए वेखो किन्नी कणक तू वाड ली की है वे अबे सारा बांड पे है अच्छा जी आहो नहीं तो फिर की पूरे पिंड टक लाया चल भी वेख टक मैं ना कि लाया जो टक गुट देखा अच्छा जी मार लुआया जी ए समझो किन्ने टक लग गए बताया टक लग गए नी एक दो त्रै चार पांच छे सात अठ मिनट में तैयार किया अच्छा जी मैं चारा कर लोगा बस सही है रेट थोड़ा जायज करा लो जी छे कनाला थां वे ते अठ डंगर वाले बंदे जेड़े ना उन्होंने टक ला लिया अजे होर किने बंदे आने जे एक दो दो त्रै होर होने मैं ताड़ी हैर ए तो बाद पैसे कट्ठा लगे मुसीबत के चढ़ जाए पैसे इस ना दें जिम मेरी गल सुनो जाग बिल कराई दे अच्छा जी चलो सही बैंक विच ठीक हो गया आहो पैसे क्यों नहीं देने जो पट्ठे चारने ने ते रेट आखा तो जायद ला आहो ने सही है क्यों जी हां जी ते एदे विच तूड़ी छुड़ी पांदे हो सैलेज बनाया जे तुसीं सैलेज बना लो ते ओह नहीं चंगा ओही बनाना करना है ए ते बड़ा महंगा काम पैंदा पिया नहीं नहीं अगू तू बंदे बन जाते सीधे हो जाते हाथ लग गए पता लग गया बिलकुल लो जनाब ए हुण रवायती तरीके नूं ए वी समझदे ने पे कि रवायती तरीका मुश्किल है ते साले जाला इन्हां ने मेरा निजाम वेख्या वे ते हुण आंदे ने सारे बंदयां नूं मैं शौक पाया वे अगू तों इन्हां ने वी सैलेज बनाना करना समझो कि पिंड लाले वाले दे विच हर पासे सैलेज ही शबो आए करे दी बिलकुल ते दवा का हड़ा करो बस साडे लई ते तुहाडे लई आइंदे जिहड़े ना पिंडां दे माहौल है वे हरियाली हर पासे हर पासे हरियाली है वेखो
दस पंद्रह डंगर ने पट्ठे वेखा इन्ने कोई बेचारा की बनता है। आहो ये गल है। आहो नया रवायती तरीके डंगर के भी जुलम है अपने आप के भी जुलम है। हेलो है ए ट्राली भी एक आन डी जी ए ट्राली भी इन्होंने कणक लदी जो पूरा भारा न फिर अज तक ले बस इना ही दुआव च याद रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।